ये जी चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, गाड़ी हमारी तैयार हो चुकी है जी। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज के दिन एक नई वीडियो के साथ आपका भाई हाज़िर हो गया, और जो लोग चैनल पे नए हैं काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त चीज़ आज आपको देखने को मिलेगी। आज जी जो वीडियो है वो हमारी एक गाड़ी हमने ली है, ठीक है, हमारे सामा भाई आजी साहब वो ढूंढ के लाए हैं बड़ी मेहनत से, और गाड़ी का नाम है जी करोला 2 ODI और 96 मॉडल है, और ये भी देख सकते हैं आप, इसकी सफाई वगैरह चल रही है मेरे पीछे। तो गाड़ी फुल तकरीबन A to Z खुली हुई है, और भी मैं साहब आपको दिखाता हूँ, तो बाकी सीन्स अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह डिटेलिंग हो रही है इसकी, ठीक है। ये जी अभी गाड़ी की अंदर से सारी तकरीबन खुल के साफ हो चुकी है अंदर से, और यहाँ आप अंदर से कंडीशन देख सकते हैं गाड़ी की, बिल्कुल सारी गाड़ी ओपन हुई हुई है, और भी इसकी सफाई हो चुकी है तकरीबन, और बाकी अब मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। सारी सीट्स वगैरह खुल के धुली हैं, सीट्स ये पड़ी हुई हैं पिछली, और फ्रंट वाली वो पड़ी हुई हैं, और कारपेट्स भी वो गाड़ी के पड़े हुए हैं सूखे हैं, और ये अपनी शहजादी खड़ी हुई है, ये हाजी साहब बैठे हैं। गाड़ी ये जी कंडीशन इसकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, जेन्युइन कंडीशन है, 4 पीस इसके टचिंग पड़ी हुई है। अब जो शाम भी आएंगे वो आपको डिटेल से बताएंगे। बाकी गाड़ी की लाइट्स वगैरह माशाल्लाह बिल्कुल जो है ना साफ़ सुथरी हैं, ये आप डिग्गी देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं आप रंग शंग हल्का हल्का फेड हुआ है, तो अभी डिटेलिंग हो रही है गाड़ी की, और बाकी आपको सही दिखाते हैं। अभी इंजन धुल रहा है, इंजन की सफाई के लिए भी यहाँ पे ये उस्ताद साहब हमारे, ये पेट्रोल जो है ना मिक्स करके सर्फ वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसी रेडी होगी फिर आपको दिखाते हैं। ये सीट्स की कंडीशन आप देख सकते हैं, सीट जब हमने इस पर कवर चढ़े हुए थे असल में, तो वो जब हमने उतारे हैं तो उसके बाद यहाँ पे ना बिल्कुल मिट्टी की तह थी यहाँ पर, वो भी इन्होंने काफ़ी साफ़ की हैं। तो सीट्स की कंडीशन आप देख सकते हैं, जेन्युइन सीट्स हैं इसकी, और ये कारपेट देख सकते हैं आप, इसके नमदे वगैरह हैं, कारपेट्स कारपेट वो पीछे पड़ी हुई है, ये कारपेट है इसकी, ये देख सकते हैं आप कैसी कंडीशन है, कारपेट भी अच्छी कंडीशन की है, ये पिछले डिग्गी की कारपेट है ये वाली, और ये जो है इसकी अंदर जो मेन कारपेट है जी साहब, ये देखिए आप लस्टर मार के लश कर रहे हैं, क्यों जी अजय साहब कुछ गड्डी लोड़ी आंदी है यार, ये मिल गई है बस बस खुदा बस इन्होंने काफ़ी सब्र किए जी, सब्र का फल मीठा होता है, तो ये भी लस्टर वगैरह लगा रहे हैं सब, ठीक है। अच्छा तो यार आपको बताता चलूँ, इस गाड़ी की जो मेजर प्लस पॉइंट्स हैं ना, उनमें एक तो ये है कि ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी है, ठीक है, इस्लामाबाद नंबर है, और दूसरा ये है कि ये फर्स्ट ऑनर गाड़ी थी, जिसे हमने ली है वो फर्स्ट ऑनर थे, 96 में उन्होंने अपनी परचेज़ की थी और वो फर्स्ट ऑनर थे अभी तक, और हम अभी जो हमारे नाम जब गाड़ी ट्रांसफ़र होगी तो हम सेकेंड ऑनर होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा प्लस पॉइंट इसका ये है कि ये मैक्सिमम जो इसकी कंडीशन है वो जेन्युइन है, और उसके बाद फिर जो चौथा है और सबसे जो मेजर मसला है
वो एवरेज की डीजल की एवरेज इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। जिनसे हमने ली है वो कहते हैं यार मुझे तो ये 20 की एवरेज देती रही है, और हमें चलें 20 की ना दे तो 17-18 भी दे तो माशाल्लाह बुरी नहीं है। तो अभी इंशाल्लाह इसके हमने काफ़ी मॉडिफिकेशन भी करनी है इंशाल्लाह, जैसे जैसे काम करेंगे तो वीडियोज़ लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। गाड़ी का नाजरीन आप लोग रूम भी देख सकते हैं, ये साइड वाले देख लें, फर्स्ट ऑनर गाड़ी रही है माशाल्लाह, और ये आप देख सकते हैं कंडीशन साइड्स की। और इसके मीटर की अगर बात करें तो ये आप स्टेयरिंग देख सकते हैं, स्टेयरिंग की थोड़ी हालत जो है ना वो नाजुक ही है ठीक, मतलब कि ये थोड़ा इसमें ना ये थोड़ा यूँ प्ले घूमता ही। और बाकी आप देख सकते हैं डैशबोर्ड माशाल्लाह साफ़ सुथरा, और अभी तो बाकी चीज़ें ही उतरी हुई सारी। और गाड़ी की टोटल मीटर जितनी चली हुई है ये 4,66,000 चली हुई है, मतलब अराउंड अबाउट आप कर लें मतलब 4-4.5 लाख से ऊपर चली हुई है। और बाकी आप देख सकते हैं ये जी भी इंजन जो है ना फाइनल तकरीबन फेज से गुजर रहा है, सर्फ लग चुका है और बाकी डिटेलिंग तकरीबन हो चुकी है, नज़र आ रही होगी आपको इंजन की सफाई। और ये डिटेलिंग वाले भाई जो है हमारी अतीक भाई हैं, और इनका नंबर वगैरह मैं वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा ठीक है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोगों ने अगर उनसे काम करवाना हो तो आप इनको कॉल करके बुला सकते हैं। ये जी इंजन हमारा तैयार हो चुका है बिल्कुल, कंडीशन आप देख सकते हैं सफाई की माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गई, नीचे तक सफाई हुई। गाड़ी जो भाई वॉश कर रहे हैं ठीक है, कहते हैं फर्स्ट टाइम इसका इंजन खुला है, फर्स्ट टाइम डिटेलिंग हो रही है इसको जी। गाड़ी का इंजन और बाकी अंदर से जो रूम है उसकी डिटेलिंग तो होगी, अब बाहर से आप कर रहे हैं ये टायर वॉश हो रही है, ये अगला टायर हो चुका साइड जी, टायर धुल रहे हैं, अगले 3 हो चुके हैं और ये साइड ड्राइव है। ये जी अब अतीक उस्ताद हैं बॉडी वॉश कर रहे हैं, सर्फ लगा के पानी छानी मार रहे हैं। अब जी गाड़ी खुश्क हो रही है और उसके बाद जो है ना सारी फिटिंग हम करेंगे इंशाल्लाह। अभी ये जी स्क्रैच आउट क्रीम अप्लाई की है गाड़ी पे, और ये देख सकते हैं आप, इसके बाद अभी बिल्कुल जो माइनर स्क्रैचेस होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे गाड़ी पे। आप जी गाड़ी पे पॉलिश लग रही है और यहाँ से साइड से उठा रहे हैं ठीक भी, माशाल्लाह शाइन ज़बरदस्त आ रही है। डीजल स्प्रे हो रहा है,
अब जी ये गाड़ी के अंदर नमदे हमने रख दिए हैं। नमदे जो होते हैं ना, नीचे जो कारपेट होते हैं गाड़ी की, उसके नीचे पड़े होते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये बेसिकली कपड़े और फोम से बने हुए होते हैं, और ये जो गाड़ी की ओरिजिनल कारपेट होती है उसके नीचे पड़े हुए होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं सफाई करना मत। आप देख सकते हैं गाड़ी का जी, माशाल्लाह बिल्कुल साफ सुथरा है। फिटिंग बन गई है, कारपेट जी सेट हो गई अपनी जगह पे, आप देख सकते हैं गाड़ी माशाल्लाह अंदर से फर्श आपको नजर आ ही रहा होगा। बाहर से माशाल्लाह चमक रही, अंदर से भी जी। अब ये जिस तरह जगह है, ये यहाँ से कारपेट इसकी तरह उतरी भी है, तो यहाँ पे समेट बोर्ड लगा रहे हैं, देख ली जो है ना अपनी जगह पे चप्पल जी। जुड़ी कैसी समा बेबी लगी हुई है यहाँ पे, जो दरवाजे के हैंडल है वो जोड़ने हैं, ये जी पिछले सीट भी लग रही है, इसमें पहले बहुत डस्ट थी, फिर प्रतीक भाई ने आज वॉश किए हैं तो सारा उनका कलर निकल गया। अगली सीट की भी फिटिंग हो रही है, आगे जी फिटिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, देख सकते हैं आप। ये जी चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, गाड़ी हमारी तैयार हो चुकी है जी। और अब तो लाइटिंग्स पे इसकी जो हमने विंडोज़ थी वो टिंट करा ली हैं, ठीक है। उसके बाद हमें नंबर प्लेट लग चुकी है, ये सारा आप देख सकते हैं सिस्टम। फाइनल लुक देख लें गाड़ी की,